अगर आपको 8,88,000 रुपए में ऐसी गाड़ी मिली है तो यार इंतजार मत करो, जाके ले आओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हर सेंस। यार कैसे आप सब, होप करता हूँ कि सब ठीक हैं। तो भाई जैसे गाड़ी देख रहे हो अपने साथ, आज नई नवेली फ्रॉन्क्स, और ये है इसका बेस वेरिएंट। मतलब भाई डेल्टा प्लस दिखा दिया, डेल्टा भी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जो बेस वेरिएंट है ना वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका। जैसे कि देख सकते हो भाई, जो फ्रॉन्क्स आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, अभी तक यार इसकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो इसकी लुक वाइज है मतलब भाई नो डाउट बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। यहीं अपने साथ में बलिनो खड़ी हुई है, ये है इसका बलिनो का बेस वेरियंट। अगर बेस टू बेस कंपेयर करें ना तो इन दोनों में ना लगभग 1,00,000 रुपये का अंतर है, और 1,00,000 रुपये में आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब भाई नो डाउट बहुत ही अच्छी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ इसमें आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि अपना क्रेटा और सेल्टोस वाला है। अब भाई अगर आप सोचो ना, ही सोच मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से ना बहुत ही अच्छी लुक है, और बहुत ही अप्रोच एंगल बहुत ही अच्छा है, और अपना जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जितने मेरे भाई बलिनो लेने की सोच रहे हैं ना यार, बलिनो सब कैंसिल कर दो, और जितने भाई ब्रेजा की तरफ जा रहे हैं यार, ब्रेजा भी मत लो, क्योंकि भाई ब्रेजा अगर लोगे ना तो मात्र 40,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर इसके फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट में आपको मिल जाता है ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड, अपना बिल्कुल ऐसा एज इट इज फ्रंट। इधर आपको मिल जाते हैं हेलोजन बेस हेडलैम्प, और ये आपको मिल जाता है बिल्कुल अपनी क्रोम में स्ट्रिप, और जो ग्रिल ना इसे आप ग्लॉसी करवा सकते हो, ये आपको मैट में दी हुई है। बाकी अगर इंडिकेटर वगैरह की बात करें तो आपको फेंडर में दिए हुए हैं, जैसे कि अपना बेस वेरिएंट है। अगर टायर की बात करें तो 16 इंचेस के आपको इसमें टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल होने वाली है भाई अपने 155/60R16, ये आपको प्रोफाइल डेल्टा प्लस में मिलती है। ORVM की बात करें तो आपको ब्लैक आउट मिल जाते हैं, ये आपको बॉडी कलर नहीं दिए हुए हैं, और इनके एडजस्टमेंट की बात करें ना तो वो भी आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, मतलब भाई मिरर डाउन करें हाथ से ही करने पड़ेंगे, अंदर कोई इनके एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल नहीं दिए हुए हैं। डोर हैंडल की बात करें तो वो भी ब्लैक में मिल जाता है, रूफ रेल आपको दी हुई है वो भी ब्लैक कलर में मिल जाती है, और शार्क फिन एंटीना की बात करें तो वो भी आपको बेस वेरिएंट में प्रोवाइड हो जाता है। और रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको ब्रेजा इंस्पायर्ड टेल लैम्प मिल जाते हैं, जो कि भाई अपने बहुत ही तगड़े जलते हैं, मतलब ये यार पूरी कनेक्टिंग नहीं है जैसे कि बेस मॉडल है। इधर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, फ्रॉन्क्स की बैजिंग आपको मिल जाती है, सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, छोटा सा स्पॉइलर, और देन नीचे मिल जाता है 4 पार्किंग सेंसर। बूट स्पेस अगर आपको एक बार ओपन करके दिखाएं तो इसमें आपको लगभग 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपको 8,88,000 रुपये में ऐसी गाड़ी मिली है तो यार इंतजार मत करो, जाके ले आओ। और गाड़ी की जो लेंथ है वो लगभग 4 मीटर है, तो मतलब नो डाउट यार बहुत ही अच्छा स्पेस मिलने वाला है अंदर की तरफ भी। बाकी जैसे कि मैंने बताया, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना वो लगभग 8,88,000 रुपये है, और इसके साथ खड़ी हुई अपनी ये इसकी 7,78,000 रुपये, मतलब भाई मोटा मोटा 1,00,000 रुपये का अंतर है। बाकी अब आपको दिखाते हैं इसकी की, जैसे कि हमने आपको डेल्टा प्लस की दिखाई थी, जो की उसकी मिलती है मतलब भाई ये देखो बेस वेरिएंट से ये वाली की मिलती है आपको, जो अपने टॉप मॉडल है जिनमें कीलेस एंट्री है उसमें आपको मिल जाएगी वही बलिनो वाली की। जैसे कि मैंने बताया इसका जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो आपको 190 mm का मिलता है, जो कि अच्छा खासा है, मतलब सेल्टोस और क्रेटा को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। और ये है इसका डोर ट्रिम, ये आपको मतलब प्लास्टिक ही दिया हुआ है, पर ये हल्का सा जो है ना सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको डोर हैंडल जो है वो क्रोम में नहीं, आपको ब्लैक में मिल जाता है, और ये हल्का सा जो है ना ब्रॉन्ज इंस्पायर आपको थोड़ी सी फिनिशिंग यहाँ पे दी हुई है। ORVM के कंट्रोल आपको इसमें नहीं दिए हुए हैं, इधर आपको सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल, और ये आपको ऑटो मिल जाता है जो अपना ड्राइवर साइड वाला विंडो डाउन करने का है, बाकी विंडो कंट्रोल है ही अपने। और नीचे इधर आपको मिल जाता है स्पीकर विद ग्रिल, और इधर बोतल होल्डर, और थोड़ा सा स्पेस अपने को सामान रखने के लिए। बाकी सीट्स की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ दी हुई है, और आगे पीछे भैया ये हो जाती है ऐसे। अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर बैठ के, भाई जो थीम डेल्टा प्लस की थी ना वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस एक डिफरेंस क्या है इस चीज का, आपको बस इसमें डिस्प्ले नहीं मिलेगी, बाकी जो ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको मिल जाएगा। मतलब भाई बेस वेरिएंट में बस इस चीज की कमी है, मतलब यार देखो बेस वेरिएंट इतने पैसे में आप ये चीज तो मतलब थोड़ा बहुत बाहर से जाके लगवा ही सकते हो, बाकी ये चीज मिल रही है ना वो बहुत ही बड़ी बात है। इधर आपको मिल जाएगा नीचे एक 12 वोल्ट का पोर्ट, और इधर जैसे कि मैंने बताया वो अपने टॉप मॉडल में आता है, इधर वायरलेस चार्जर, इधर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, ये अपना 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर, और ये आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक। मतलब भाई इसमें ना बेस वेरिएंट में ज़्यादा जो है ना ब्लैक कलर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ये ब्लैक में। और इधर आपको मिल जाते हैं अपने छोटा सा कुछ अपना वॉलेट टाइप रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। बाकी इधर आपको मिल जाते हैं हेडलाइट की कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, अब दिखाते हैं आपको इसका इग्निशन ऑन करके, ये देखो की इसकी, एक बार लगाएं इसको,
ये हो चुका है इसका इग्निशन ऑन। जैसे कि देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी भाई सामने डिस्प्ले आपको दिख रही होगी छोटी सी, बाकी दो अपने जो है आपको मीटर में जाते हैं, टैकोमीटर एक स्पीडोमीटर। सामने आपको फ्यूल गेज और हीटिंग गेज का मिल जाता है। एवरेज जैसे कि दिखा रही है 15 का है, तो भाई जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 18-20 का, बाकी यार इतना दे ही देगी, इससे ऊपर ही देगी जो कंपनी क्लेम कर रही है 18-20 का कर रही है, बाकी इससे ऊपर एवरेज दे ही देगी। और इसके अगर स्टीयरिंग की बात करें तो इधर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता, इधर भी नहीं दिया हुआ क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया हुआ। इधर आपको मिल जाता है वॉशर कंट्रोल बटन, इधर हेडलैम्प कंट्रोल बटन, चार एसी वेंट आपको आगे की तरफ मिल जाती है, ये आपको मिल जाता है पार्किंग लाइट बटन, और डिस्प्ले मैंने जैसे कि बताया नहीं दी हुई है। और इसमें ये देखो ये वाला सीन भी मतलब भाई अच्छा खासा है, नहीं बेस वेरिएंट में ज़्यादातर हाथ से आगे पीछे करना ऊपर नीचे करना रहता है, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जैसे कि मैंने बताया जो अपने एयर बैग हैं वो भाई आपको इसमें दो मिलेंगे, अपने जेटा में प्लस हो जाते हैं, मतलब भाई 6 एयर बैग आपको सेटअप मिल जाएंगे। बाकी अगर फिनिश देखो तो ये आपको मिल जाती है ब्रॉन्ज इंस्पायर और हल्की जो सिल्वर फिनिश, और ब्लैक आउट में आपको मिल जाता है डैशबोर्ड, और ये अपनी जो है वेलवेट कलर की जो है आपको इधर भी थोड़ी सी फिनिशिंग दी हुई है। बाकी सीट्स का कॉम्बिनेशन और डोर का कॉम्बिनेशन तो भाई हमेशा सेम रहता ही है, बाकी ये भी जो है ना सीट्स का कॉम्बिनेशन और डोर कॉम्बिनेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। अगर इसकी बात करें हम ग्लो बॉक्स की तो इसमें भी जैसे कि भाई सबका स्पेस है, ऐसी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। अब आपको दिखाएं इसका एक बार पीछे की तरफ, तो चलो फिर पीछे देखते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। जो भाई अगली वाली सीट है वो हमने अपने एडजस्ट करी हुई है अपनी हाइट के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो इधर भी जो है ना थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट बस हल्का सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है। बाकी जो लेग रूम है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको, मतलब मैं हाँ कंफर्टेबल होकर बैठ रहा हूँ। बाकी जैसे कि बेस वेरिएंट है तो इधर आपको 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है, इधर दो स्पीड नहीं दी हुई है, डेल्टा प्लस में भी नहीं मिलती और इसमें भी नहीं मिलती। और अगर पीछे की बात करें जो आपको बूट स्पेस दिखाएं, तो बूट स्पेस चलिए आपको दिखाते हैं, उस बूट स्पेस तो यार लगभग सेम ही है, लगभग आपको इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये देखो बूट स्पेस अच्छा खासा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर एक बार आपको स्पेयर व्हील दिखाएं इसका, तो ये है अपना बिल्कुल सेम प्रोफाइल का स्पेयर व्हील आपको मिलने वाला है। नहीं यार आधी गाड़ियों में ना एक साइज छोटा आता है। बाकी इसको कर देते हैं लॉग। इसकी प्राइसिंग जैसे कि मैंने आपको बताई जो ऑन रोड होने वाली है वो 8,88,000 रुपये होने वाली है। और यहीं अगर जो भाई अपने भाई बलिनो लेने की सोच रहे हैं ना, यार बलिनो वलिनो सब कैंसिल करो, फ्रॉन्क्स को एक बार देखना होगा ना, तो यार इस गाड़ी से अलग ही प्यार हो जाएगा, मतलब बहुत ही अल्टीमेट गाड़ी है। बाकी ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भी मत जाना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।